बारूद की गंध, लाशों का अंबार और खंडहर शहर। हमास ने जब पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर अब तक का सबसे घातक हमला किया तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यहूदी देश इस तरह से बदला लेगा। इजराइल हमास की जंग को 6 महीने का वक्त हो चुका है। इजराइल पर हमास के हमले में 1200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। 250 से ज्यादा लोगों को हमास बंधक बनाकर ले गया था। इसके बाद इसराइल ने ऐलान जंग किया और गाजा में मौत का ऐसा तांडव मचाया कि अब तक करीब 33,000 फलस्तीनी मौत की नींद सो चुके हैं, जिसमें कई मासूम बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। गाजा शहर खंडर बन चुका है। हमास के कई आतंकियों को भी इसराइल ने मौत के आगोश में भेज दिया है। जब जंग शुरू हुई तभी बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। उन्होंने दो टूक कहा था कि वो हमास को खत्म कर देंगे। इसके बाद गाजा में हमास के ठिकानों अंडरग्राउंड टनल में ताबड़तोड़ हमले किए गए। कुछ ही समय बाद मानवीय संकट खड़ा हो गया। हजारों की तादाद में अपनी जान बचाने के लिए गाजा के लोग फलस्तीनी एनक्लेव की ओर जाने लगे जो पहले से बंद था। जंग झेल रहे लोगों का कहना है कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है और सुरक्षित स्थानों की तलाश में पैदल ही निकल पड़े हैं। लोग 33 किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं। उनके हाथों में सूटकेस, गद्दा और जरूरी सामान है। अब तक इजराइल हमास की जंग को 182 दिन हो चुके हैं और 134 इजरायली बंधक हैं। कई अंडरग्राउंड जेलों में कैद हैं और कुछ को यौन यातनाएं दी गई हैं। मारे गए लोगों में कुछ लोग वो भी थे जो ना तो इजराइल के नागरिक थे और ना ही फलस्तीन के। ये विदेशी नागरिक थे जो मदद करने पहुंचे थे। वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 वर्कर्स में से 6 ने इस हफ्ते की शुरुआत में इजरायली ड्रोन के 3 अलग अलग हमलों में अपनी जान गंवा दी। वहीं फलस्तीन की बात करें तो वहां 33,000 से ज्यादा लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, लेकिन आंकड़ा ज्यादा की मालूम होता है। हजारों फलस्तीनी मलबे में दबकर मारे जा चुके हैं और गाजा के 85% इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। इसराइल के मुताबिक हमास के 10,000 आतंकी मारे जा चुके हैं, जो इस संगठन का 1/3 से ज्यादा है। इसमें 3 बटालियन कमांडर्स और पॉलिटिकल ब्यूरो के 7 सदस्य शामिल हैं। हमास के रॉकेट्स या तो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं या वो उनका उपयोग कर चुके हैं, लेकिन अभी भी उसके कई नेता जिंदा हैं। अमेरिका समेत कई देश इसराइल को युद्ध रोकने के लिए कह चुके हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच ईरान के साथ भी इसराइल का टकराव बढ़ता जा रहा है। डर ये है कि कहीं ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ना ले ले। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।